सॉरी। सो स्टार्ट एंड आर दबाएंगे तो आपको एक्सेल ओपन करने के लिए हम लोगों ने टाइप किया EXCEL, वर्ड ओपन के लिए हम लोगों ने टाइप किया विन वर्ड। ओके, पावर पॉइंट ओपन करने के लिए आपको टाइप करना है POW पावर PNT। सो पावर पॉइंट ओपन करने के लिए आपको प्रेस करना है पावर पॉइंट। ओके करते हैं तो आपका पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू यूज वर्ड एक्सेल एंड पावर पॉइंट। आपका कंप्यूटर आया, आपका लैपटॉप रहेगा और उसमें आपको बहुत फास्टली काम करना है, तो टेम्प फाइल जनरेट होता है, तो उसमें परसेंटेज TMP टेम्प और परसेंटेज टाइप करना। अगर लैपटॉप का या पीसी का स्पीड कम हो गया रहेगा तो परसेंटेज टेम्प परसेंटेज टाइप करना। ओके प्रेस करना तो यहाँ पे टेम्पररी फाइल्स क्रिएट होता है, सिलेक्ट ऑल करके उसको डिलीट कर देना। सो दैट विल इंक्रीज योअर कंप्यूटर और लैपटॉप स्पीड। ओके, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, जस्ट मैंने आपको एडिशनल चीज बोल के बोला मैंने, नथिंग एल्स। ओके, सो यहाँ पे हम लोग एक्सेल स्टार्ट किया। अभी एक्सेल के शॉर्टकट्स हम लोग देखेंगे। ओके, ऑल्ट और टैब करके मैं एक एक्सेल का एक्टिव शीट्स ओपन करता हूँ, समझ लो ये वाला। ओके, सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे, पहले इंट्रोडक्शन देता हूँ एक्सेल का शीट्स में क्या क्या रहता है। सो दिस इज योर क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार यानी जो भी आपको इजीली एक्सेस करने के लिए बटन चाहिए वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। समझ लो मुझे क्या करना पड़ता है, ऑलवेज क्लियर फॉर्मेट करना पड़ता है, तो यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट है, तो मुझे ये इधर जाके बार बार क्लिक करना है। इससे अच्छा मैं इधर ही क्लिक कर सकता हूँ या मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, तो ये बटन मुझे इधर चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लियर फॉर्मेट्स पे राइट क्लिक करेंगे या इधर क्लियर में राइट क्लिक करेंगे और इसको ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। तो यहाँ पे वो क्लियर फॉर्मेट बोल के ऐड हो गया, इधर से हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ से डिफॉल्ट बटन्स भी रहते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफॉल्ट बटन्स हैं वो आप चालू करेंगे, न्यू ओपन तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो न्यू फाइल होगा, ओपन करेंगे तो ओपन करेंगे। इसमें से जो चीज़ नहीं चाहिए हम लोग उसको ऑफ करके रख सकते हैं, या समझ लो ये क्विक एक्सेस वाला टूल बार तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, तो ये अपने रेडीमेड डायरेक्टली यूज़ किया हम लोगों ने कस्टमाइज करके, तो इसको राइट क्लिक करके भी हम लोग रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार रिमूव करेंगे। सेकेंड आता है आपका यहाँ पे फाइल का नाम AE1 और सॉफ्टवेयर का नाम एक्सेल। दिस इज योर मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज, इसके लिए एक शॉर्टकट है मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज के लिए। अगेन आपके कीबोर्ड के ऊपर जो चार एरोज रहते हैं, चार एरोज यानी उसको बोलते हैं नेविगेशन टूल बार, नेविगेशन बार, या फोर एरोज की, फोर नेविगेशन कीज बोलते हैं, तो उससे हम लोग एक्सेल में आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह जा रहे हैं, बना ना। सेम बटन को हम लोग को स्टार्ट और डाउन एरो दबाता हूँ, क्या बताता हूँ, स्टार्ट स्टार्ट बटन एंड डाउन एरो। तो क्या होता है, आपका जो भी एक्टिव विंडो रहेगा एक्सेल के लिए नहीं, कौन सा भी एक्टिव विंडो आपका रिस्टोर हो जाएगा, रिस्टोर यानी छोटा साइज में आ जाएगा। स्टार्ट और अप एरो बताता हूँ तो क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। सो दिस इज रिस्टोर, दिस इज योर मैक्सिमाइज। आप अगर माई कंप्यूटर ओपन करेंगे तो वो भी आपका मिनिमाइज और मैक्सिमाइज हो जाएगा, दैट इज मिनिमाइज मैक्सिमाइज यानी इस टू रिस्टोर बोलेंगे। सो यहाँ पे एक्सेल जो ओपन था इसको मैं स्टार्ट अप एरो दबाता हूँ, डाउन एरो, फिर से एक बार मैं स्टार्ट और डाउन एरो दबाता हूँ तो ये टास्क बार पे चला जाएगा। ओके, सो यहाँ पे जितने भी एक्टिव विंडोज हैं टास्क बार पे चले जाएंगे, स्टार्ट और डाउन एरो दबाएंगे। ऑल्ट टैप करके मैं उसको फिर से बड़ा कर सकता हूँ, स्टार्ट अप एरो, इसको लेफ्ट में रखना है तो स्टार्ट लेफ्ट एरो दबाओ, राइट में रखना है तो स्टार्ट राइट एरो दबाओ। ओके, सो यू कैन कीप इट एज अ लेफ्ट साइड, यू कैन कीप इट एज अ राइट साइड, आपको जो लेफ्ट और राइट साइड में जो भी चाहिए दैट यू कैन कीप लाइक दैट। ओके, सो स्टार्ट अप एरो दबाता हूँ, सो इट विल बी गेट मैक्सिमाइज। सो मुझे दूसरा विंडो चाहिए ये वाला। ओके, सो इसको स्टार्ट अप एरो दबाता हूँ। ये शॉर्टकट्स क्यों बता रहा हूँ, अभी मैं जो भी यूज़ कर रहा हूँ सब कीबोर्ड से यूज़ कर रहा हूँ, नो माउस। सो आपको भी टिल फर्स्ट वीक में आपको ओनली माउस यूज नहीं करना, ओनली कीबोर्ड यूज करना है, माउस नहीं यूज करना है। सो यू हैव टू प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस करते में समय आपको जब भी लगेगा अरे माउस यूज कर रहा हूँ, तब आप रिकैप करो कि अरे इसके लिए क्या शॉर्टकट था, फिर वो शॉर्टकट ट्राई करो। पहले 5-6 दिन में आपको थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा कि अरे ये बहुत डिफिकल्ट है मेरे को यूज करने का शॉर्टकट, बट आफ्टर 5 डेज यू आर वेरी मच एक्सपर्टाइज एंड यू कैन यूज 100% कीबोर्ड। सो कि तो कहाँ पे थे, हाँ देखो क्या क्या शॉर्टकट्स बता, एक बार रिमाइंड करता हूँ, स्टार्ट ई डेस्कटॉप, स्टार्ट डी डेस्कटॉप, स्टार्ट ई माई कंप्यूटर, स्टार्ट आर रन विंडो, देन अल्ट F4 क्लोज विंडो बताया मैंने, और फिर अल्ट और टैब मैंने स्विच विंडोज बताया मैंने, एक विंडो से दूसरे स्विच में, फिर
स्टार्ट और नेविगेशन की बताएं जिससे हम लोग मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो एक सबसे बड़ा शॉर्टकट्स मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखो हम लोग के पास यहाँ पे ये जो रहता है इसको बोलते हैं हम लोग टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, फॉर्मूला टैब, डेटा टैब। टैब के नीचे जो चीज़ ओपन होता है उसको बोलते हैं हम लोग रिबन, क्या बोलते हैं रिबन। और रिबन में क्या आता है अलग अलग ग्रुप आ जाते हैं, यानी समझ लो होम में जाता हूँ तो यहाँ पे देखो क्लिपबोर्ड, तो इसको सब ग्रुप बोलेंगे या सब टैब बोलेंगे, यानी क्लिपबोर्ड सब टैब, फॉन्ट सब टैब, अलाइनमेंट सब टैब, नंबर सब टैब। सो यहाँ पे देखो इंसर्ट पेज लेआउट, यहाँ पे अलग अलग सब टैब्स आ रहे हैं। अब ये चीज़ें जो है ना वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट तीनों में कॉमन है। एक्सेल में क्या अलग है तो यहाँ पे नेम बॉक्स आएगा और यहाँ पे फॉर्मूला बार आएगा। ओके सो नेम बॉक्स क्या करता है, देखो जो वर्टिकल रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे कॉलम्स बोलते हैं। वर्टिकल जो रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉलम बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल जो रहते हैं उसको बोलते हैं हम लोग रोज। ओके अब ये कॉलम्स एंड रोज ये दोनों को इंटरसेक्ट जो करते हैं तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करने के बाद ये जो क्रिएट होता है इसको बोलते हैं हम लोग सेल। अब ये सेल का नाम क्या है तो D5। सो ये डी इज द कॉलम, फिफ्थ इज द रो। सो ये सेल का नाम किधर डिस्प्ले हो जाएगा आपका नेम बॉक्स में। सो नेम बॉक्स क्या है आपका दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ योर कॉलम एंड रोज में जो क्रिएट होता है उसको सेल बोलते हैं। और वो सेल का नाम ऑलवेज कम विद द कॉलम फर्स्ट एंड रो लास्ट, दैट इज कॉलम D5। सो यहाँ पे D5 बोल के आ गया। ओके सो दिस इज योर नेम बॉक्स। देन आता है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में क्या दिखाता है तो यहाँ पे आपके सेल में जो कंटेंट है वो आपको फॉर्मूला बार में दिखाता है। तो यहाँ पे टोगल बिटवीन विंडोज लिखा है तो ये आ गया। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेल शीट बनाया था तो यहाँ पे 5860 दिखा रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले होते समय वैल्यू दिख रहा है लेकिन यहाँ पे क्या है आपका फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला बार क्या दिखाता है व्हाट इज एक्चुअल कंटेंट ऑफ योर सेल दैट विल बी गेट डिस्प्ले इन अ फॉर्मूला बार। तो यहाँ पे देखो हमेशा फॉर्मूला बार अगर ऑफ रहेगा तो यहाँ से ऑन करना है। कभी कभी ये चीज़ ऑफ रहता है तो वी आर गेट कन्फ्यूज, हम लोग को मालूम नहीं करता अरे ये किधर गया। तो हम लोग क्या करेंगे ऑलवेज व्यू में जाना है और यहाँ पे फॉर्मूला बार को क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला बार आपका ऑन हो जाएगा। ओके सो दिस इज, और यहाँ पे नीचे आते हैं उसको शीट। सो मैंने कॉलम बताया आपको, रोज बताया, शीट्स बताया, फॉर्मूला बार, नेम बॉक्स, टैब, सब टैब, रिबन्स, टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार और दिस चीज। ओके अभी एक शॉर्टकट जो मैं बताने जा रहा था, अभी मुझे क्या करना है एक्चुअली इसमें से समझ लो डेटा टूल में जाके मुझे डेटा वैलिडेशन लेना है। डेटा वैलिडेशन में जाके मुझे डेटा वैलिडेशन क्लिक करना है। सो दिस इज टू मच लेंदी प्रोसीजर और डेटा वैलिडेशन डायरेक्ट ऑन नहीं कर सकता, जैसा कंट्रोल बी बोल्ड किया, इटैलिक किया, वैसा डेटा वैलिडेशन के लिए कुछ शॉर्टकट्स यहाँ पे नहीं है डेटा वैलिडेशन के लिए। सो शॉर्टकट्स कहाँ पे दिखते हैं देखो, आप कौन से भी टूल्स में जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको शॉर्टकट देखो बोल्ड को दिखा रहा है कंट्रोल बी। तो यहाँ पे देखो हम लोग कौन सा भी टूल जिसको शॉर्टकट रहेगा वो वहाँ पे दिखेगा। सो यहाँ पे है क्या शॉर्टकट क्लियर ऑल, नहीं है तो यहाँ पे दिखेगा नहीं, वैसा हम लोग को शॉर्टकट नहीं है। सो हम लोग को डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन में जाके डेटा वैलिडेशन ऑन करना है। तो व्हाट इज शॉर्टकट यू आर गोइंग टू यूज़, सो आपको तो कीबोर्ड यूज़ करना है तो माउस नहीं यूज़ करना है। जैसा माउस से मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ डेटा में जा रहा हूँ यहाँ पे, तो आई डोंट वॉन्ट टू यूज़ माउस। तो हम लोग क्या करेंगे कीबोर्ड पे आपको अल्ट प्रेस करना है, क्या करना है अल्ट प्रेस करना है। देखो ऊपर देखो आप अभी अल्ट प्रेस करते तो यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 दिखा रहे हैं, यानी क्विक एक्सेस में से कौन सा भी बटन यूज करना है मुझे तो मैं क्या करूँगा 1 2 3 में जो चाहिए वो टाइप करूँगा। उसमें नहीं चाहिए मुझे, क्या करना है डेटा टैब, इसमें जाना है मुझे टैब में जाना है। तो मैं डेटा टैब के लिए क्या शॉर्टकट है यहाँ पे लिखा है ए, तो अल्ट प्रेस ए। देखो कीबोर्ड पे ए प्रेस किया मैंने तो उस रिबन में जितने भी टूल्स हैं उसके शॉर्टकट्स आ गए। डेटा वैलिडेशन के लिए क्या है वी, और डेटा वैलिडेशन के लिए क्या है वी, तो आपका क्या हो गया डेटा वैलिडेशन ऑन हो गया। सो ध्यान में रखना अभी मैं क्या चीज़ बता रहा हूँ। अभी कैसा हम लोग जब भी काम करते हैं ना तो स्पेसिफिक चीज़ें मुझे बार बार यूज़ करना पड़ता है, तो उसके लिए जो एक्सपर्टीज रहता है वो क्या करते हैं मालूम है क्या, अभी मुझे डेटा वैलिडेशन लेना है तो क्या करेगा अल्ट प्रेस करेगा ए वी वी। सो वो आपको ध्यान भी नहीं आएगा उधर शॉर्टकट है तब तक डेटा वैलिडेशन ऑन हो गया यहाँ पे। तो डेली यूज में डेटा वैलिडेशन यूज कर रहा, तो
वो क्या करेगा, अल्ट ए वी वी दबाएगा, ऑटोमेटिकली डेटा वैलिडेशन आ गया उसका। सो आप जहाँ पे भी जॉब करेंगे या आप अपने खुद का बिजनेस है, काम कर रहे हैं और उसमें से कुछ चीज़ें आपको डेली बेसिस पे यूज़ करना पड़ रहा है, तो वो आप जैसे भी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको बाय हार्ट हो जाएगा कि यार ये टूल लेना है तो मुझे अल्ट दबा के ये दो तीन बटन्स प्रेस करना। सो आप जहाँ पे भी जॉब करेंगे, किधर भी यूज़ करेंगे, तो कीप इट इन माइंड कि आपको अल्ट प्रेस करना है। अल्ट प्रेस करके पेज लेआउट में जाना, तो पी दबाया मैंने, और उसमें से जाके मुझे प्रिंट टाइटल्स लेना है, तो आई दबाया मैंने, तो प्रिंट टाइटल्स लेना, तो मेरा पेज सेटअप आ गया जहाँ पे मैं प्रिंट यूज़ करता हूँ। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट फॉर योर एक्सेल। ओके, सो नोट इट डाउन, अल्ट और अल्फाबेट्स, दैट इज अल्ट। और ये अल्ट शॉर्टकट जो है ना वो आपको सब जगह मिलेगा, ऐसा नहीं मैं एक्सेल के लिए ये बोला, मैंने विन वर्ड लिया, वर्ड लिया, ओपन किया, मैंने वर्ड में ओपन करता हूँ, देखो यहाँ पे भी मैं अल्ट प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ऊपर सेम आ रहा है, इसको क्लोज करते देखो। सो अल्ट प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ऊपर आ रहा है शॉर्टकट्स। तो हम लोग को मेलिंग लेना तो एम दबाया, ऑल्ट F4 करता हूँ मैं, क्लोज करता हूँ, अभी नीचे हम लोग को। सो इधर तक क्लियर है सबको? कुछ डाउट्स है अभी तक? नहीं रहेगा तो नो प्रेस करना है, रहेगा तो एस बोल देना, पूछ सकते हो। सर, हाँ स्टीवन बोल। आपने जो D5 का बताया ना, मतलब दो लाइन मर्ज होने वाला, वो टाइम उसे वापिस बताओगे? वो मेरा नेट का इश्यू हुआ था, हाँ ठीक है, कौन सा दो लाइन मर्ज हुआ? ओ डी, और आपने फॉर्मूले के पीछे D5 किया था ना? हाँ, उसमें मैंने खाली नेम बॉक्स बताया था, यानी यहाँ पे ये कॉलम है और ये रो है, बराबर ना? सो ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यस हाँ ये डी और फाइव जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग सेल। क्या बोलेंगे? सेल। और वो सेल का नाम क्या आता है? सेल, हाँ, तो वो सेल का नाम है आपका डी फाइव। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेम बॉक्स जो है लेफ्ट में, तो नेम बॉक्स में आपको नाम दिखेगा डी फाइव बोल के। ओके, सो नेम बॉक्स ऑलवेज डिस्प्ले योर यस सेल नेम, उसमें कॉलम पहला आ जाएगा और रो आपका बाद में आ जाएगा। क्लियर है? यस यस सर। ओके, एनी डाउट टू एनीवन? हाँ लक्ष्मी बोल। एनी डाउट? कुछ नहीं सर। ओके, किसी को कुछ पूछना है? शैल वी मूव टू द नेक्स्ट शॉर्टकट्स? शैल वी मूव टू द नेक्स्ट शॉर्टकट्स? या आपको कुछ नोट डाउन करके लेना है? नोट डाउन किया है सबने? ओके ओके ओके, थैंक यू। सो यहाँ पे देखो, अभी जो प्योर एक्सेल के शॉर्टकट्स हम लोग देखेंगे, जो प्योरली एक्सेल के लिए यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे बॉटम में देखो, बहुत सारा शीट्स दिख रहा है, बराबर? अभी मुझे क्या करना है, एक शीट में से दूसरे शीट में जंप करना। तो वॉट वी आर गोइंग टू यूज, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल यूज करना है, कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन। लिखो कंट्रोल पेज अप प्रीवियस शीट लिखना, कंट्रोल पेज डाउन नेक्स्ट शीट। नोट इट डाउन, कंट्रोल पेज अप प्रीवियस शीट, कंट्रोल पेज डाउन नेक्स्ट शीट। ओके, सो देखो आप अभी कभी भी शीट, एक शीट में से दूसरे शीट में जाना है, तो डोंट यूज कंट्रोल माउस, यूज कंट्रोल पेज अप एंड पेज डाउन। देन अभी थोड़ा मैं सेल के रिलेवेंट शॉर्टकट्स बताता हूँ, मैं प्रॉपर एक टेबल लेता हूँ, ठीक है? सो दिस इज, ये मेरा टेबल है यहाँ पे, और ये टेबल में मुझे जंप करना है, देखो। सो ये दूसरा लेता हूँ, रुको जरा, ये वाला लेता हूँ मैं। अभी ये टेबल है, ये टेबल में जितना भी डेटा सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए प्रेस कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली पूरा शीट नहीं लेगा, वो टेबल का रेंज लेगा। तो उसको मैं कॉपी करता हूँ, समझ लो मैं एक न्यू शीट लेता हूँ, कंट्रोल एंड न्यू शीट्स, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। सो यहाँ पे देखो, ये वाला टॉप रो नहीं चाहिए। अभी देखो मुझे रो सिलेक्ट करना है, क्या करना है, रो सिलेक्ट करना है, तो शिफ्ट और स्पेस बार दबाना है। नोट इट डाउन, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, नोट इट डाउन, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। ओके, तो रो सिलेक्ट करेंगे आप, और कॉलम सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार। अब ये पूरा का पूरा क्यों सिलेक्ट हो रहा है,
क्योंकि यहाँ पे मैंने मर्ज किया है इसको, इसके लिए इसको अनमर्ज करता हूँ फिलहाल। ओके, इसको कॉलम सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल स्पेस बार करेंगे तो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, शिफ्ट स्पेस बार सेलेक्ट करेंगे तो रो सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे समझ लो ये वाला हेडिंग नहीं चाहिए, तो मैंने क्या दिया, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। ओके, सबने नोट डाउन किया, शिफ्ट प्लस स्पेस बार रो सिलेक्ट रो, कंट्रोल प्लस स्पेस बार सिलेक्ट कॉलम। अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, शिफ्ट और स्पेस बार दबाने के बाद आपको ये वाला रो नहीं चाहिए, तो रो सिलेक्ट करने के बाद आपको देना है कंट्रोल माइनस। क्या दबाना है आपको, कंट्रोल माइनस। कंट्रोल माइनस क्या करेगा, जितना भी सिलेक्शन किया रहेगा उसको रिमूव करेगा। तो आपने क्या किया है, रो सिलेक्ट किया तो वो रो को रिमूव करेगा। अगर मैंने कॉलम सिलेक्ट किया, समझो क्लास सिलेक्ट किया, कंट्रोल स्पेस बार, तो इसको कंट्रोल माइनस करता हूँ मैं, तो ये डिलीट हो जाएगा। समझ लो इसके पहले मुझे और एक कॉलम इंसर्ट करना है, तो मैं क्या यूज करता हूँ, कंट्रोल प्लस। क्या यूज करता हूँ, कंट्रोल प्लस। तो वी कैन इंसर्ट द कॉलम, कंट्रोल माइनस, वी कैन रिमूव द कॉलम। सेम मैं रो सिलेक्ट करता हूँ मैं, कंट्रोल प्लस, आई कैन इंसर्ट द रोज, कंट्रोल माइनस, आई कैन डिलीट द रोज। क्लियर इधर तक? नोट डाउन करने के लिए 1 मिनट दे रहा हूँ, लिख के लेना। कंट्रोल प्लस, ओके, आप क्या करेंगे, कॉलम सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्लस रो सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल माइनस लिखो, डिलीट रोज और कॉलम या डिलीट सिलेक्शन लिखो, कंट्रोल प्लस ऐड सिलेक्शन। ओके, यानी कॉलम सेलेक्ट किया रहेगा तो कॉलम ऐड करेगा और रो सेलेक्ट किया रहेगा तो रो ऐड हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? एनी डाउट, किसी को कुछ डाउट पूछना है? एनी डाउट टू एनी वन? एटलीस्ट से नो और यस? ओके ओके, थैंक यू। आपको लगेगा फास्ट हो रहा है तो आप बता देना फास्ट हो रहा है सर, कीप इट एज अ स्लो। ओके, इसको मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यूट्यूब पे अपलोड करके आपको मैं वीडियो का लिंक ग्रुप में सेंड करूंगा और इंडिविजुअल। अगर आप घर पे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वीडियो देख के साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस कर सकते हो, नो इशू। ठीक है, सो यहाँ पे देखो मैंने, यहाँ पे हम लोग, ओके, मुझे अभी क्या करना है, नेविगेशन बताना है कि हम लोग हाउ वी आर गोइंग टू नेविगेट इन टेबल, टेबल में नेविगेट कैसे करते हैं। देखो मैं एरो से मूव कर रहा हूँ, तो ये एरो से मूवमेंट हो रहा है, नीचे जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, जो भी है। अगर मुझे फास्ट मूवमेंट चाहिए तो हम लोग यूज़ करेंगे कंट्रोल और फॉरवर्ड एरो। देखो यहाँ पे अभी फिलहाल मैं इसको जूम करता हूँ तो थोड़ा और आपको समझ में आएगा स्क्रीन को। ओके, कंट्रोल है स्पेस बार, ऑटो फिट कॉलम विड्थ करता हूँ। ओके, फॉर्मेट, ऑटो फिट कॉलम। ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो मूवमेंट करना है तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल और एरो दबाता हूँ। तो देखो पहला रोल नंबर में, तो डायरेक्टली यहाँ से वो साइंस में जंप हो गया, कंट्रोल एरो। अभी यहाँ पे मैं रोल नंबर के इधर हूँ और यहाँ पे कंट्रोल डाउन एरो दबाया तो यहाँ पे एंड में आ गया। सेम कंट्रोल फॉरवर्ड एरो दबाता हूँ यहाँ पे आ गया। यानी कंट्रोल से क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, जिधर से जिधर डेटाबेस एंट्री किया है उधर एंट्री। अभी यहाँ पे समझ लो इतने यहाँ पे डेटा एंट्री नहीं किया, तो यहाँ पे देखो कंट्रोल और डाउन एरो दबाया तो जिधर तक डेटा एंट्री किया था उधर तक जंप किया। फिर से कंट्रोल डाउन एरो तो ब्लैंक सेल जहाँ से जिधर तक था उधर जंप किया। फिर से कंट्रोल डाउन एरो तो जहाँ तक डेटा एंट्री उधर तक। तो कंट्रोल और नेविगेशन की क्या करते हैं, तो जहाँ से डेटा है सो डेटा जंप करेगा, यानी जिधर से डेटा है उधर से डेटा तक जंप करेगा। ओके, सेकेंड, आप बीच में कहाँ भी रहेंगे और स्टार्टिंग पे आना है टेबल को तो आपको होम दबाना है, और एंड में जाना है तो एंड दबाना है। ओके, सो यहाँ पे होम दबाएंगे तो आगे आ जाएगा, आप यानी कंट्रोल से यूज़ कर सकते हैं, नो इशू। अभी मुझे सिलेक्शन करना तो आपको क्या यूज़ करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट दोनों यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखो कंट्रोल और शिफ्ट दोनों प्रेस करता हूँ मैं और एरो यूज करता हूँ अभी, तो क्या हो रहा है आपका, सिलेक्शन हो रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज, समझ लो मुझे यहाँ से कॉलम सेलेक्ट कर, इतने डेटा सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट फॉरवर्ड एरो, सो वी कैन सिलेक्ट।
सो मुझे स्टूडेंट नेम सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं आया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन आर दबाया, तो आई हैव सेलेक्टेड माई स्टूडेंट नेम। ये जूम इन जूम आउट करना है तो आपको कंट्रोल और माउस का स्क्रोल यूज़ करना है, यानी माउस का स्क्रोल से आप जूम कर सकते हैं, कंट्रोल स्क्रोल को पीछे लेंगे आप तो माइनस हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन जूम इन जूम आउट। सो यहाँ पे देखो मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ तो आपको सिलेक्शन मालूम गिरे, यानी यहाँ पे देखो मराठी में कंट्रोल डाउन आ रहा, मराठी सेलेक्ट हो गया। क्या समझ लो ये वाला फर्स्ट सेलेक्ट करना है, वन रोल नंबर, तो उसको सिलेक्ट किया। अभी पूरा टेबल सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट फॉरवर्ड एरो और डाउनवर्ड एरो यूज़ किया मैंने। तो सिलेक्शन समझ में कैसा यूज़ करना है। अभी यहाँ पे कंट्रोल और एंड दबाता हूँ तो एंड ऑफ द टेबल में चला जाएगा, अगर डेटा एंट्री जैसा यूज़ किया रहेगा वैसा। सो इधर तक किसी को कुछ डाउट? एनी डाउट्स? सो यहाँ पे देखो कंट्रोल में शॉर्टकट्स अगर देखते हैं तो यहाँ पे इधर शॉर्टकट्स दिए हैं, आप यहाँ से शॉर्टकट में जाना और आप यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो जो भी यूज़ करना है। ओके, अभी यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्टकट्स मुझे बताना है, यानी कौन से भी सेल को एडिट करना है। अभी देखो ये ना जो एक्सपर्ट एक्सेल यूज़ करने वाले ना, उनसे भी मैंने ना देखा है, उनका थोड़ा सा ना जो एक्सेल बहुत साल से यूज़ करे, 2-3 साल ऐसा, उनसे यहाँ पे वो कुछ तो टाइप करते हैं। समझ लो मैंने टाइप किया ट्रांस डैश IT और मैंने कंप्यूटर टाइप किया मैंने। ओके, अभी यहाँ पे अभी उनको यहाँ पे टाइप करना है तो वो क्या करते हैं एक्चुअली, समझ लो यहाँ पे पूरा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट टाइप करता हूँ मैं। यहाँ पे एंट्री करना, तो उनको क्या लगता है ये डेटा बहुत इधर तक आ गया यार, अभी मुझे इधर एंट्री करना पड़ेगा, यानी ये इतना सेल में। सो दिस इज नॉट, इसमें क्या है ये कॉलम में ही है लेकिन फिर आगे क्यों दिख रहा है, इधर ही तक दिखना चाहिए था। यहाँ पे जो ई वाला कॉलम है उसमें डेटा नहीं है तो मैं यहाँ पे डालता हूँ डोंबिवली। ओके, सो डोंबिवली डाल दिया तो पहला वाला डेटा क्या हो गया, उसके अंदर चला गया और सेल आ गया। सो बहुत जन को ये क्वेरीज रहता है, अगर यहाँ पे नहीं रह रही ये इधर तक आ गया फिर इधर जाके वो एडिट करने को जाते हैं, सो दैट इज़ अ रॉन्ग चॉइस टू बी। सेकेंड चीज़ ये समझ में आया सबको, आपको यहाँ पे भी ब्लैंक सेल है, ब्लैंक सेल की वजह से ये डेटा आपको आगे दिख रहा है, अदरवाइज नहीं दिखता, अगर मैं 1-2 टाइप कर रहा हूँ तो वो डेटा नहीं दिखेगा। सेकेंड चीज़, अभी ये ट्रांस आईटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के जगह मुझे समझ लो एडवांस एक्सेल बोल के टाइप करना, तो पहला क्या करते हैं सब जन उसको डिलीट करते, क्या करते हैं डिलीट, और बाद में एडवांस एक्सेल टाइप करना चाहते हैं। सो अगेन दिस इज रॉन्ग हैबिट, आप कभी भी ये सेल के ऊपर डायरेक्ट टाइप करेंगे तो पहले वाला डेटा डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिकली। सो डोंट गो फॉर द डिलीट बैकस्पेस और बाद में टाइप करना। या कोई कोई क्या करता है ट्रांस आईटी, तो यहाँ पे क्लिक करेगा, यहाँ पे इसको डिलीट करेगा ऐसा बैकस्पेस जाके, और यहाँ पे फिर से एडवांस एक्सेल टाइप करेगा, या क्या करेगा इसको डबल क्लिक करेगा और यहाँ पे इसको डिलीट करेगा और बाद में एडवांस एक्सेल टाइप करेगा। सो एडवांस एक्सेल क्यों सीख रहे हैं आप, आपको एक्सपर्ट होना है बोल के सीख रहे हैं, तो आप उसको डोंट यूज लाइक यू आर किड, और किड्स भी आजकल बहुत स्मार्ट होते हैं, अपने से अच्छे यूज करते हैं। सो आपको नॉलेज नहीं है ऐसा मत यूज करना। ओके, सो पहला चीज आपको कुछ भी, अभी मुझे मैंने जैसा बोला कि यहाँ पे मैं डायरेक्ट टाइप करता तो पहला वाला डेटा रिमूव हो जाता है, लेकिन मुझे ट्रांस आईटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के आगे ही टाइप करना, तो व्हाट वी कैन गो, हम लोग डबल क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके डेटा आगे कर सकते हैं। तो लेकिन माउस यूज किया तो हम लोग को कीबोर्ड से करना है, तो डेटा को या सेल को एडिट करना है, तो नोट इट डाउन, आपको यूज करना है F2, प्रेस F2, F2 प्रेस करेंगे तो F2 इज फॉर द एडिट सेल, नोट इट डाउन F2 एडिट सेल। F2 एडिट सेल, तो वो क्या करेगा आपका सेल को एडिट करेगा, तो हम लोग यहाँ पे कॉमा करके मैं डोंबिवली ईस्ट बोल के मैं टाइप करता हूँ, क्लियर है, एंटर करता हूँ। अब ये मैं पूरा कॉलम में देखना है तो यहाँ पे देखो इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है तो यूज होके आप यूज कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांस आईटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट डोंबिवली ईस्ट। तो सेल को एडिट करना आपको F2 प्रेस करना है, F2 प्रेस करने के बाद आपको जो नहीं चाहिए डिलीट कर सकते हैं।
सो यहाँ पे भी देखो, कोई किसी को पहले दो नहीं चाहिए, तो यहाँ पे भी आप कंट्रोल और शिफ्ट यूज कर सकते हैं सिलेक्शन के लिए। मूवमेंट के लिए भी कंट्रोल और एरो यूज कर सकते हैं, लेफ्ट एरो राइट एरो। सो वो जंप करेगा डायरेक्टली आपका वर्ड टू वर्ड। सो ट्रांसलेट ही चाहिए, इतना नहीं चाहिए, डिलीट कर दिया। देखो अभी जो एंट्री किया मैंने, एडिट किया, उसको एक्सेप्ट करने के लिए आपको एंटर दबाना है। अगर आप इसको एस्केप दबाते हैं तो देखो रिमूव हो गया, तो आपको इसको एक्सेप्ट करना है। तो एक्सेप्ट करना है तो हम लोग को क्या करना है, उसको एंटर मारना है। तो एंटर करेंगे तब वो डेटा एंट्री एक्सेप्ट करेगा, आपको नहीं चाहिए। यानी इसके ऊपर मैंने एडवांस एक्सेल टाइप करने के लिए लिया लेकिन नहीं चाहिए, मैंने एस्केप दबा दिया, तो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? रहेगा तो एस करो, कुछ डाउट रहेगा तो पूछो। ओके, थैंक यू प्रदीप सर, क्रांति थैंक्स, सागर थैंक्स। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? ओके, थैंक यू। कुछ भी डाउट्स रहेगा, सिली डाउट्स रहेगा ना, तो भी आप बता पूछना, क्योंकि सिली डाउट्स रहेगा तो भी दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यूर साइड टू बी, तो आप पूछ सकते हैं सिली डाउट्स रहेगा तो भी। नेक्स्ट देखो, अभी ये और एक छोटा सा इम्पोर्टेंट पार्ट। अभी ये वाला शीट्स पहले हम लोग नहीं सिखाते थे, लेकिन स्टूडेंट्स के क्वेरीज देखते हुए या एक फंडामेंटल जो रहता है एज एक्सेल यूज करने के लिए, या मैथमेटिकल बोल सकते हैं हम लोग फंडा, वो क्योंकि एक्सेल में क्या यूज करने, हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, डेटा में नंबर्स फिगर्स रहेंगे, वो फिगर्स के ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं, तो वी नीड टू बी लिटिल बिट यूजर फ्रेंड विथ योर मैथमेटिकल कंसेप्ट। तो मैथमेटिकल कंसेप्ट के लिए हम लोगों ने बेसिक मैथ्स बोल के मैंने शीट इंसर्ट किया एक्चुअली। सो वॉट इट एग्जैक्टली टू बी, सो यहाँ पे देखो हम लोग कभी भी फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं, कौन सा भी फॉर्मूला। यहाँ पे देखो क्वेश्चन वन क्या बोल रहा है, सो यहाँ पे नंबर दिए 5, 10, 50, 100 एंड 500। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 50 डिवाइड बाय 5 प्लस 100 डिवाइड बाय 10। क्या बोल रहा है, 50 डिवाइड बाय 5 प्लस 100 डिवाइड बाय 10। सो व्हाट विल द आंसर, कोई बता सकता है? टाइप करके बताओ मुझे, 50 डिवाइड बाय 5 प्लस 100 डिवाइड बाय 10 का आंसर क्या आएगा? कैलसी मत यूज करना, ये नॉर्मल कैलकुलेशन दिख सकते हैं ना आप। 50 डिवाइड बाय 5 प्लस 100 डिवाइड बाय 10, व्हाट विल द आंसर? कम ऑन, कमेंट बॉक्स में चाहिए। ओके, 50 डिवाइड बाय 5, 100 डिवाइड बाय 10, व्हाट विल बी द आंसर? ओके, साईराम 20 बोल रहा है, लक्ष्मी 20 बोल रही है, एनीवन? 50 डिवाइड बाय 5, 100 डिवाइड बाय 10। अरे बाकी लोग भी है ना, या लेफ्ट आउट हो गए? 13 जन तो है, दिख रहे हैं। ओके, SSV, ओके, 20, प्रदीप सर 20, ग्रेट। चलो चार आंसर, 5, मनन जोशी, दोषी, कमॉन, सूरज 20, 20, प्रज्ञा 20, हाँ ग्रेट। यहाँ पे देखो क्या कंसेप्ट रहता है, जैसे मैथमेटिकल्स में पहला आपको क्या करना है, फंक्शनली पहले डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन करेगा, बाद में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो देखो हम लोग को फॉर्मूला में कैसे यूज करना है, हम लोग सिखाते हैं। सो कौन सा भी फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा तो यू हैव टू टाइप इक्वल। तो कौन सा भी फॉर्मूला जब स्टार्ट करते हैं तो यू हैव टू प्रेस इक्वल। इक्वल प्रेस करने के बाद देखो, मैं अभी यहाँ से टाइप कर सकता हूँ 50 डिवाइड बाय 5 प्लस 100 डिवाइड बाय 10। सो दिस इज ईजी फॉर अस टू बी टाइप, लेकिन मुझे सेल रेफरेंसेस लेना है। सेल रेफरेंस है ना, मेरा डेटा यहाँ पे है, इस डेटा में से मुझे वैल्यूज फेच करना। तो यहाँ पे इक्वल डालने के बाद यहाँ पे देखो, आप माउस से यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या एरो से आप जा सकते हैं। तो मेरे को पहला 50 सेल चाहिए, 50 डिवाइड बाय, तो हम लोग डिवाइड का सिंबल डाल लेंगे, 5 प्लस, यहाँ पे मैं बोलता हूँ 100 डिवाइड बाय, तो यहाँ पे फिर से हम लोग सेल सेलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे देखो, फर्स्ट एकदम चीज जो भोजन
मिस्टेक करते हैं। तो मुझे यहाँ पे देखो एंटर करता हूँ, तो इट्स कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर परफेक्ट 20। सो क्वेश्चन वन का ही आंसर देता हूँ। कभी कभी कोई क्या करता है, सो मुझे कहना है 50, 50 का सेल कौन सा है, सो सी, तो यहाँ पे C3 टाइप करेंगे। सो डोंट डू दैट वन एक्चुअली, सो दैट इज़ अ रॉन्ग हैबिट। सो आपको क्या करना है, 50 का सेल तो 50 सिलेक्ट करके आपको कीबोर्ड के ऊपर जो मैथमेटिकल फंक्शन है वो यूज करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन टू का आंसर कोई बता सकता है क्या है, 50 प्लस 100 डिवाइड बाय 5 इंटू 10। फिफ्टी प्लस 100 डिवाइड बाय 5 इंटू 10, कम ऑन। कम ऑन साई राम, 3 3 3। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे देखो अगेन फॉर्मूला स्टार्ट करना है, इक्वल 50, सो यहाँ पे 50 प्लस 100 डिवाइड बाय 5 इंटू 10। सो एंटर करता हूँ, सो दैट इज आंसर इज 250। क्या है, 250। सो वेर यू वेंट रॉन्ग, कैन एनी वन, सो यहाँ पे ध्यान देना। सो इसके लिए मैंने फिर से एक्सप्लेन किया। सो यहाँ पे 100 डिवाइड बाय 5, सो पहला फंक्शन कौन सा लेगा, डिवीजन, देन मल्टीप्लीकेशन, देन वो एडिशन के लिए जाएगा। तो 100 बाय 5 कितना आएगा, 20, 20 इंटू 10 200 प्लस 50, सो दैट इज कॉल्ड एज अ 250। सो ये चीज़ क्यों बताना है मुझे, एक्सेल ऑटोमेटिकली अरिथमेटिकल लॉजिकल फंक्शंस को कैच करता है बिकॉज इट इज ऑलरेडी फीड अप इन योर एक्सेल। इट विल नॉट गो एज 50 प्लस 100 एंड 150, 150 डिवाइड बाय 5 इंटू 100, सो दैट इज नॉट अ लॉजिक। यानी यहाँ पे 50, यहाँ पे आप जो लॉजिक लगाएंगे वो क्वेश्चन 3 में यूज होगा। देखो 50 प्लस 100, अगर यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट है तो फंक्शनलिटी में वो क्या काम करेगा, 50 प्लस 100 को पहला ऐड करेगा, बाद में 10, बाद में 5 से डिवाइड करेगा। सो यहाँ पे देखो ये आंसर 250। यहाँ पे देखो अभी मुझे 50 प्लस 100 पहला फंक्शन करना है, यानी यहाँ पे उसने फंक्शन क्या किया, क्वेश्चन 2 में 100 को पहला 5 डिवाइड किया, बाद में 10, लेकिन मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए, 50 प्लस 100 करना है, फिर उसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इसको ओपन ब्रैकेट हम लोग को पहले डालना है, इक्वल, सो मुझे 50 को ऐड करना है, 50 प्लस 100 करना है, तो वी हैव टू टेक इट 100, देन क्लोज ब्रैकेट करना है आपको, देन डिवाइड का सिंबल डालना है, उसको डिवाइड करना है मुझे 10 से, फिर उसको डिवाइड करना है मुझे 5 से। सो एंटर करता हूँ, तो दैट आंसर इज 3। सो आपने सबने क्वेश्चन 3 का आंसर बताया था क्या, आप सबने क्वेश्चन 3 का आंसर बताया था, नो। ओके, सो आर यू गेटिंग वेर यू आर गेटिंग मिस्टेक। सो आपको यहाँ पे आपको लॉजिक लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है, एक्सेल विल डू ऑल लॉजिकल थिंग्स बाय यानी अरिथमेटिकल लॉजिकल थिंग्स बाय देयर ओन साइड, यू जस्ट हैव टू पुट द फॉर्मूलाइज इन अ करेक्ट मैनर। अगर यही सेम फॉर्मूला डालना था 50 प्लस 100 डिवाइड बाय 10 तो क्या हो जाता है, तो यहाँ पे वो अगर हम लोग ब्रैकेट नहीं डालते, तो ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो वो उल्टा फंक्शन करेगा, क्या करेगा, 100 को पहला 10 से डिवाइड करेगा, ओके, तो 10 आंसर आएगा, 10 को फिर से 5 से डिवाइड करेगा, 2 आंसर आएगा, फिर 50 को ऐड करेगा। सो इसके लिए हम लोग के जो भी फंक्शंस यूज करेंगे हम लोग, उसमें ये ब्रैकेट्स बहुत मैटर करने वाले हैं। सो आगे जाके आप जब एडवांस एक्सेल में हम लोग फॉर्मूला जनरेट करेंगे तो उस टाइम पे ये जो फंक्शनलिटी है आपको कैसे यूज करना है, आप लॉजिक जनरेट करते समय, बिकॉज आपको समझ लो सैलरी स्लिप निकालना है, तो सैलरी स्लिप निकालते समय आपका एचआरए माइनस करना पड़ेगा, डेली अलाउंस को ऐड करना पड़ेगा, उसका डिवीजन निकालना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस आ जाएंगे और उसको कंबाइन में ऐड करना, तो
तो आपको वहां पे आपको ये ब्रैकेट्स कंपलसरी यूज करने पड़ेंगे एज पर द सेग्रीगेशन ऑफ योर लॉजिक। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन यूज। चलो लास्ट आंसर देखते हैं, क्वेश्चन 4। सो क्वेश्चन 4 का कोई आंसर बता सकता है? सो देखो क्वेश्चन 4 क्या है। कमांड क्वेश्चन 4 का आंसर इंसर्ट करो। 100 डिवाइड बाय 5 प्लस 10 डिवाइड बाय 5 ब्रैकेट है 100 प्लस 5 डिवाइड बाय प्लस 10 को। सो व्हाट विल बी द आंसर? 6। ग्रेट, सज्जन अभी फास्ट हो गया। सो यहाँ पे देखो इक्वल इंसर्ट करते समय ओपन ब्रैकेट, पहला 100 है तो यू हैव टू सेलेक्ट 100, डिवाइड का सिंबल आ जाएगा, देन यू हैव टू डिवाइड बाय 5, देन प्लस आपका 10 है तो यहाँ पे 10। ओके, देन क्लोज ब्रैकेट डिवाइड बाय 5। सो यहाँ पे एंटर मारेंगे आप तो आपका 6 आंसर आ गया। सो एक्सेल आपको ना और एक लॉजिक, जैसा ये वाला आपका आंसर गलत आ गया था, सो फॉर्मूला में अगर हम लोग जाते हैं ना तो इवोल्यूट फॉर्मूला बोल के आता है। क्या आता है? इवोल्यूट फॉर्मूला। सो हम लोग फॉर्मूला को इवोल्यूट कर सकते हैं कि ये कैसा है, 250 कैसा आया, 3 क्यों नहीं आया, एक्सेल ने ऐसा क्या किया कि वो 250 आंसर दिया। तो यहाँ पे देखो इवोल्यूट करते हैं हम लोग, इवोल्यूट दिख रहा है सबको, इवोल्यूट बोलता हूँ। तो पहला सेल जो था, हाँ समझो, फिर से दिखाता हूँ इवोल्यूट फॉर्मूला। पहला सेल मेरा C3 था, तो C3 का कौन सा था? 50, तो वैल्यू कौन सा है? 50। फिर D3 का वैल्यू क्या है? 100। A3 का वैल्यू क्या है? 5। और B, तो ये देखो स्टेपिंग करता हूँ, फिर क्लोज करता हूँ। तो उसने पहला लॉजिकल फंक्शंस यूज किए, इवोल्यूट फॉर्मूला, यहाँ पे जाता हूँ इवोल्यूट फॉर्मूला। सो इवोल्यूट करता हूँ 50, 100, 100। तो यहाँ पे पहला देखो ये 50 प्लस था, लेकिन ये तो मल्टीप्लीकेशन था, तो 100 डिवाइड बाय 5 उसने उसका आंसर निकाला 20। अभी 20 इंटू फिर क्या करना है उसको? 10, तो उसका आंसर आया उसका 200। प्लस उसने क्या किया बाद में? 50 प्लस 200 इवॉलेट, तो उसका 250 आ गया और उसको क्लोज। तो ये आंसर कैसा आया ये भी आपका एक्सेल आपको बता सकता है कि उसने क्या क्या लॉजिक्स यूज किया और कौन सा फंक्शंस पहला किया। यानी इवॉलेट फॉर्मूला में जाएंगे तो आप उसको यूज कर सकते हैं, कैसे यूज करना। सो अगर आपको आंसर नहीं मिला कि ये 250 कैसे आया, समझा ही नहीं, या तो आप इवॉलेट फॉर्मूला करके उसको देख सकते हैं कि हाउ दिस फॉर्मूलाज या आंसर कम्स। सो यहाँ तक क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्लियर रहेगा तो यस बताना, कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ भी छोटा डाउट रहेगा तो भी पूछ सकते हैं, नो इशू। क्लियर है? मनन क्लियर है क्या? मनन मनन किधर गया? यस ओके मनन, थैंक यू। यहाँ पे देखो अभी आपको थोड़ा लॉजिक्स बताना है मुझे और आंसर्स बताना है। आई विल नॉट डू द आंसर्स एक्चुअली। ओके, इसको डिलीट करता हूँ थोड़ा सा, इसको भी डिलीट करता हूँ थोड़ा सा। ओके, अगर आपने 10th तक पढ़ाई किया रहेगा तो आपको ये आंसर्स इजीली आना मांगता है। देखो ये इतना ही जो सिलेक्ट किया उतना ही शीट मुझे डिस्प्ले करना है बड़ा करके, तो व्यू में जाके आप जूम टू सिलेक्शन कर सकते हैं तो आपको बड़ा दिखेगा। सो देखो लेंथ कितना है? 5। विड्थ है आपका 2.5, यानी ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का लेंथ है 5, विड्थ है 2.5। सो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या आता है, कोई बता सकता है? पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज, टाइप इन द आंसर, कमेंट में डालो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है, क्या है रेक्टेंगल का पेरीमीटर? पेरीमीटर मैंने मालूम है ना, जो आउटर पोर्शन जो रहेगा उसका टोटल लेंथ, यानी उसको बोलते हम लोग पेरीमीटर। तो रेक्टेंगल का आउटर लेंथ का फॉर्मूला क्या रहेगा? आंसर नहीं चाहिए, फॉर्मूला पूछ रहा हूं।
फॉर्मूला क्या रहेगा? नहीं, कैन एनी वन? सो व्हाट इज पेरीमीटर फॉर्मूला? पेरीमीटर का फॉर्मूला है इक्वल टू टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, बरा दैट इज द फॉर्मूला, बरा ना? यानी ये लेंथ और विड्थ जो रहेगा, एल प्लस डब्ल्यू भी डाल सकते हैं। ओके, लेंथ एंड विड्थ जो भी रहेगा उसका डबल करेंगे तो आपका पेरीमीटर आएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे कैसा डालेंगे? इक्वल टू इंटू, तो यहाँ पे क्या करना है, ओपन ब्रैकेट देना है, पहले लेंथ प्लस बाद में विड्थ, क्या देना आपको, विड्थ क्लोज ब्रैकेट एंड, तो आपको पेरीमीटर बताएगा। सो ये क्लियर है कैसा फॉर्मूला यूज करना है? टू टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ, दैट इज योर फॉर्मूला। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या रहता है बताओ? या वेरी गुड, थैंक्स यशस्वी, क्रांति, प्रदीप, गुड। एरिया बताओ अभी क्या रहता है रेक्टेंगल का एरिया? वेरी गुड लक्ष्मी, लेंथ इन टू ब्रेथ। ओके, विड्थ बोल सकते इक्वल, तो मैं क्या करूंगा, लेंथ, सो लेंथ लिया मैंने इन टू विड्थ 2.5 लिया, एंटर, सो दैट इज कॉल्ड एज अ 12.5, दैट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसका यूनिट आएगा यूनिट्स बोल के, और इसका यूनिट आएगा स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट मतलब स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर एमएम, स्क्वायर इंच, स्क्वायर फीट, वट एवर, और ये खाली लेंथ में मेजर है। नाउ रेडियस दिया है सर्कल का 7, व्हाट इज डायमीटर? इक्वल रेडियस इंटू 2, दैट इज द डायमीटर, तो मैंने रेडियस इंटू 2 लिया 40। देन पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, पेरीमीटर क्या आता है सर्कल का, कोई बता सकता है? पेरीमीटर फॉर्मूला पूछ रहा हूं, आंसर नहीं चाहिए मुझे, फॉर्मूला पेरीमीटर। ओके वेरी गुड, दैट इज 2 पाई आर। क्या है 2 पाई आर? पाई का वैल्यू क्या रहता है, 3.14, तो इक्वल 2 इंटू, सॉरी इक्वल, हम लोग क्या करते हैं, 2 इंटू पाई का फॉर्म 3.14 इंटू रेडियस, सो यहाँ पे एंटर करता हूँ, सो दैट इज 43.96। एरिया क्या आएगा? एरिया बराबर है 3.514 इंटू डी, बराबर है, यहाँ पे देखो 2 पाई आर यूज किया है ना, उसको हम लोग पाई डी भी यूज करते हैं, तो इक्वल पाई डी रहने आएगा, तो 3.14 इंटू डायमीटर लेना है तो ओनली डायमीटर लेंगे, तो दैट इज सेम आ जाएगा आंसर। सो यहाँ पे मुझे रेडियस को डबल करना है, इसके लिए 2 पाई आर लिया, या पाई डी लेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। और इज एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल, कम ऑन, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर, बराबर ना? क्या है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे इक्वल पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी रेडियस इंटू रेडियस, एंटर करता हूँ, दैट इज 153.86। सो दिस इज हाउ वी हैव टू यूज द फॉर्मूलाज इन योर लॉजिक्स। सो यहाँ तक फॉर्मूले समझ में आ जाएंगे? आपको फॉर्मूला कैसे इंसर्ट करना समझा क्या? एनी डाउट? किसी को कुछ चीज फिर से एक्सप्लेन करना है तो पूछो, सर एक्सप्लेन करो फिर से। किसी को कुछ डाउट, सिली डाउट रहेगा तो भी पूछो, यू आर वेलकम, नो इशू। एनी डाउट्स? यहाँ पे देखो पाई का फॉर्मूला भी आता है, इक्वल पाई यूज करना है ना तो पी आई यूज करो, उसको टैब दबाना है। मैंने फॉर्मूला नहीं बताया इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये ऑटोमेटिक वैल्यू दिखा आपको 3.1414। अगर कोई मैथ्स में काम कर रहा है उसके लिए बताया मैंने, इक्वल पी आई ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट देना उसको, तो वो ऑटोमेटिक लेगा इन टू, आपको आर रेडियस लेना है तो रेडियस लो, इन टू रेडियस, सो एंटर करेंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगा।
इज नॉट मैंडेटरी, आगे जाएंगे तो आपको आ जाएगा, नो इशू। किसी को कुछ पूछना रहेगा तो पूछो, अदरवाइज आई विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। चले स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, या अभी तक का जितना सीखा है उतना बहुत है। चले स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। चलेगा सबको? आगे का टॉपिक में फॉर्मूलाज नहीं रहेगा, इट विल बी शॉर्ट, नो इशू। बट अदर सेज ओनली 4 जन यस बोल रहे हैं, बाकी जन सुन रहे हैं क्या लेक्चर्स को? आई वॉन्ट रिप्लाई ऑफ एवरी वन, हाँ 14 में से 2 में दिख रहा हूँ, तो आई वॉन्ट रिप्लाई ऑफ टोटल 12 जन का। 1, 2, 3, 4, वैष्णवी 5, सागर 6, मनन 7, प्रज्ञा 8। अभी तक 2 जन बाकी है। सूरज यस, लास्ट वन, नहीं 9 हो गया, 3 जन बाकी है। कम ऑन कम ऑन। आई विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है, देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, सो वी विल स्टार्ट विद दैट टॉपिक एक्चुअली। सो दिस कॉल्ड एज अ ऑटो फिल। ये असाइनमेंट है आपके लिए ऑटो फिल का। यहाँ पे आपको जो शीट मिलेगा ना, इसमें आंसर्स नहीं डाले हम लोगों ने, तो आंसर्स नहीं है, तो आपको वो आपको प्रैक्टिस करना है उसके। यहाँ पे आपको दिए मैंने सब चीज़ के आंसर्स भी दिए, सो यहाँ पे आपको आंसर्स मिलेंगे 22, 53, 6, आपको आंसर्स मिलेंगे। यहाँ पे भी आपको क्या लॉजिक्स लगाने दिखेगा, तो जस्ट गो थ्रू द एक्सेल शीट्स, आपको पूरा आइडियाज मिल जाएगा कैसे करना। सो देखो, फील पहला यूज करना। फील यानी क्या रहता है? आपको जब भी डेटा एंट्री यूज करेंगे तो डेटा एंट्री में आपको फास्टेस्ट डेटा एंट्री करना है, तो हम लोग फील यूज करते हैं। फील में क्या होता है, देखो यहाँ पे 1 मैंने टाइप किया और ये 1 मुझे डेटा एंट्री करते समय, ये सीरियल नंबर डाला मैंने, सीरियल नंबर, और यहाँ पे मैं नेम डाल रहा हूँ, और ये 1 मुझे 100 तक चाहिए। किधर तक चाहिए? 100। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1, 2, यहाँ पे 2 टाइप करता हूँ, और आगे 3 करना टाइप करेगा, और थोड़ा स्मार्ट रहेगा तो वो क्या करेगा, 2 सिलेक्ट करेगा। यहाँ पे देखो ये छोटा सा रेक्टेंगल स्क्वायर बॉक्स होता है मेडिकल सिंबल, उसको बोलते हैं फील हैंडल। क्या बोलते हैं? फील हैंडल। तो कोई क्या करता है, उसको ड्रैग करके, उसको ड्रैग करेगा ऐसा तो फील करेगा, लेकिन उसको 100 तक मालूम नहीं करेगा किधर गया है। सो इसके लिए एक्सेल में आपको फील बोल के ऑप्शन आएगा। फील कहाँ पे आता है? होम में आता है, तो अल्ट प्रेस के मैंने होम में जाता हूँ, फील आएगा आपका फील में। फील का शॉर्टकट है F5, फिर से F5, और यहाँ पे सीरीज लेना है आपको। क्या लेना है? सीरीज। सीरीज के लिए लिखा है S। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको सीखाना है, इसके लिए माउस यूज करता हूँ, लेकिन आपको इसमें मूव करना है तो टैब दबा सकते हैं। देखो मुझे रो, पहला पहला चीज ये मुझे क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टली चाहिए, वर्टिकली? वर्टिकली चाहिए। वर्टिकली चाहिए तो उसको बोलेंगे कॉलम, तो पहले सीरीज इन में आपको कॉलम सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे देखो टैब दबाता हूँ, आप रोज के इधर जाने के बाद एरो से आपको कॉलम सेलेक्ट करना है, फिर टाइप लीनियर। आगे क्या चीज रहता है मैंने बताता हूँ, लीनियर। यहाँ पे देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है स्टेप वैल्यू एंड स्टॉप वैल्यू, यानी स्टेप वैल्यू यानी 1 के बाद मुझे कौन सा वैल्यू चाहिए, 2, यानी इंक्रीमेंट कैसा होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, लाइक। तो स्टेप वैल्यू 1 डाला, स्टॉप वैल्यू, स्टॉप वैल्यू डाला मैंने, मुझे किधर तक चाहिए, 100, और मैंने ओके प्रेस किया। तो यहाँ पे देखो डेटा एंट्री में 1 to 100 डेटा एंट्री आ गया। अभी डायरेक्ट 100 पे कैसा गया, कंट्रोल दबा के डाउन एरो दबाया मैंने, सो ये डेटा एंट्री फ्रॉम 1 to 100। हाउ दिस इज पॉसिबल विद द सीरीज, फिर से एक बार मैं बताता हूँ। यहाँ पे 1 पे जाते हैं हम लोग, साइरम आवाज आ रहा है क्या? बाकी सबको आवाज आ रहा है? आ रही है सर। आ रहा है ना?
साइरम नेटवर्क चेक कर दे रहा। साइरम आवाज आया तुझे? साइरम साइरम आवाज आ रहा है? चलो मैं कि इसको थोड़ा नज़दीक रखता हूँ, इसको यानी हेडफोन को, और अभी सुनो। सो यहाँ पे जाता हूँ मैं AE1। सो यहाँ पे देखो फील आपको लेना है, तो फील में क्या आता है, सीरीज बोल के ऑप्शन आएगा। ओके सो यहाँ पे पहला टाइप करना आपको सीक्वेंस, और उसके बाद आपको लेना फील। तो अल्ट दबाया, होम में गया, फील FI सीरीज S। ओके सो अल्ट प्रेस किया मैंने, होम फील सीरीज S। ओके सो यहाँ पे मुझे कॉलम में चाहिए, तो मैंने टैब दबाया, पहले कॉलम सिलेक्ट किया, लीनियर ग्रोथ 1, स्टॉप वैल्यू क्या दिया मैंने 100। ओके तो 100 आया। समझ लो मुझे टेबल क्रिएट करना है, टेबल यानी मुझे फाई का टेबल क्रिएट करना है, यानी फाई का टेबल यानी इधर फाई, उसके बाद क्या आएगा 10, 15 ऐसा। सो यहाँ पे फाइल लिया मैंने, अल्ट दबाता हूँ, फिर से होम टैब में गया, फील में सीरीज लिया मैंने, अगेन मुझे कॉलम में चाहिए तो मैंने क्या दिया, कॉलम सेलेक्ट किया, टैब दबाता हूँ, स्टेप वैल्यू। अभी फाइव का टेबल चाहिए, यहाँ पे फाइव के बाद मुझे 10 आना चाहिए, तो टेबल चाहिए तो स्टेप वैल्यू क्या आएगा, फाइव के बाद मुझे फाइव से इंक्रीज करना, टैब दबाया, स्टॉप वैल्यू क्या चाहिए, फाइव का टेबल यानी एंड अप विद योर 50, तो यहाँ पे 50 दबाया, आई प्रेस ओके, तो यहाँ पे फाइव का टेबल आ गया। सो स्टेप वैल्यू समझ में आया, स्टेप वैल्यू यानी फाइव के बाद मुझे कितनी अमाउंट से इंक्रीमेंट चाहिए, सो दैट इज कॉल्ड योर स्टेप वैल्यू, और स्टॉप वैल्यू यानी ये टेप कहाँ पे एंड होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टॉप वैल्यू। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज स्टेप वैल्यू एंड स्टॉप वैल्यू। सो यहाँ पे एक छोटा सा असाइनमेंट्स दिए, वो हम लोग गो थ्रू करते हैं, तो यू विल गेट मोर आइडिया अबाउट वट इज द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। सो यहाँ पे देखो, फिल द सेल्स एज अ कॉलम वाइज टिल वैल्यू 185 विद अ स्टेप वैल्यू 3। तो फर्स्ट इसमें क्या बोला है, फिल सेल्स एज अ कॉलम वाइज टिल वैल्यू 185 विद स्टेप वैल्यू 3, यानी 3M। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अल्ट दबाया, होम लिया मैंने, फील में जाता हूँ और मैंने सीरीज लिया। सो देखो कॉलम वाइज वैल्यू चाहिए, तो मैंने जो कॉलम लिया मैंने, यहाँ पे स्टेप वैल्यू लिया, स्टेप वैल्यू कितना चाहिए मुझे 3, और स्टॉप वैल्यू कितना चाहिए 185, और मैंने इसको ओके कर दिया। तो देखो 3 के बाद इंक्रीमेंट हुआ, 6, 9, 12, इट गोज टू द 185। अभी 185 नहीं आया, 183 आया, क्यों, इसके बाद 3 ऐड होता है तो 186 आता, तो 186 185 से आगे, तो उसने किधर तक लिया 183। सो दिस इज हाउ वी कैन गिव द इंक्रीमेंट्स। देन ऑटो फिल वैल्यूज इन द टिल B25। सो यहाँ पे B25 तक ऑटो फिल करना। सो यहाँ पे ऑटो फिल यानी क्या रहता है, अभी ये दैट इज द सेकेंड थिंग। ऑटो फिल में क्या होता है, देखो मैं साइड में पहला बताता हूँ, फाइव लिया यहाँ पे, 10 लिया मैंने। ओके अभी ये वाला रेंज में यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। ऑटो फिल में पहला कंडीशंस क्या है, ऑटोमेटिकली वैल्यू फिल करना है, यानी इसमें मैं स्टेप वैल्यू स्टॉप वैल्यू नहीं दूंगा, यानी फिल में जाता हूँ मैं, सीरीज में जाता हूँ और इसमें ऑटो फिल देता हूँ। पहले क्या कर रहे थे हम लोग, स्टेप वैल्यू स्टॉप वैल्यू दे रहे हैं, ऑटो फिल में हम लोग स्टेप वैल्यू स्टॉप नहीं दे रहे हैं। दूसरा चीज, हम लोग पहला रेंज सिलेक्ट करते हैं जिधर तक मुझे मुझे वैल्यू ट्रैक करना है। तीसरा थिंग, यहाँ पे आपको सिक्वेंस मैंडेटरी है। ओके सिक्वेंस मैंडेटरी यानी क्या, पहले जैसा था, जैसा मैं फाइव था तो मैं क्या करता हूँ, मुझे स्टेप वैल्यू देना है, तो मैं डायरेक्टली ओनली फाइव डाल के सीरीज में स्टेप वैल्यू फाइव डाल के मैंने क्या किया, आंसर निकाला था और यहाँ पे 50 दिया था। सीक्वेंस में क्या करना पड़ता है, आपको पहले सीक्वेंस देना, आपको कौन सा सीक्वेंस चाहिए और बाद में ड्रैग करना। तो पहले दो में आपको सीक्वेंस चाहिए, यहाँ पे फील में जाता हूँ, सीरीज में जाता हूँ, अभी ऑटो फील दिया, ओके सो ऑटोमेटिकली आपका सीक्वेंस फिल हो जाएगा। ओके व्हाट हैपन इफ यू हैव नॉट गिवन एनी सीक्वेंस, आपने सीक्वेंस नहीं दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे देखो फाइन दिया मैंने खाली, और फील में जाके सीरीज में ऑटो फील बोल देता हूँ, तो ओनली फाइव एज अ 5555 कैरी ऑन करता, बिकॉज मैंने उसका सिक्वेंस दिया नहीं है।
तो ऑटो फिल में क्या होता है, ऑटो फिल में ऑटोमेटिकली वैल्यू फिल होता है, बट आपको उसका सीक्वेंस पहले दो सेल में कंपलसरी देना। तो यहाँ पे देखो, इसको B25 तक मुझे ऑटो फिल करना, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे B25 फिल सीरीज, और इसको ऑटो फिल देखिए, ओके कर देना, सो इट विल ऑटोमेटिकली फिल योर वैल्यूज। नाउ द ग्रोथ वैल्यू कॉलम वाइज इन अ मल्टीप्लायर ऑफ 5 टिल 500। ओके, ग्रोथ द वैल्यू कॉलम वाइज मल्टीप्लायर ऑफ 5 टिल 500। ओके, अब ये मल्टीप्लाई में 1 के बाद 5 आएगा, 5 × 5 25 25 × 5 2 बदल बदल ना 125 125 × 5 625, तो 625 निकलेगा 150। सो यहाँ पे देखो, फील्ड में जाता हूँ सीरीज, तो उसको ग्रोथ देना है, तो ग्रोथ देने के लिए ग्रोथ लेना, ओके ग्रोथ लेना है मल्टीप्लायर ऑफ 5 टिल 500। ओके, कॉलम वाइज है तो कॉलम रखो, ओके देखो, 1 × 5 5 × 5 25 25 × 5 125 125 × 5 रहता तो 625 आता, तो उसके लिए वो 500 के अबो नहीं गया और वो यहाँ पे ड्रैग कर दिया उसने। ओके, क्लियर है? सो दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रोथ। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, सीरीज में जाएंगे, तो दैट इज ग्रोथ। ग्रोथ यानी क्या करता है, आपका मल्टीप्लीकेशंस में वैल्यू लेगा ऑफ वन फैक्टर, यानी लेकिन वो 1 2 3 ऐसा मल्टीप्लाई नहीं, पहला प्रीवियस सेल को 5 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर प्रीवियस सेल को 5 से मल्टीप्लाई करेगा, सो दैट इज मल्टीप्लाई। देन क्रिएट अ टेबल ऑफ 9, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था, फील्ड में जाके, सीरीज में जाके, कॉलम में टेबल 9 क्रिएट करना है, तो यहाँ पे 9 प्रेस करेंगे, स्टॉप वैल्यू 90 डालेंगे, ओके तो 9 का टेबल आ जाएगा। नाउ इसमें हम लोग डेट भी ऐड कर सकते हैं, यानी ऑटोफिल डेट टिल E20, सो मतलब मैं E20 यहाँ तक आ रहा है, सो मैं इधर तक ही ले रहा हूँ, चलो। सो फील में, सीरीज में, ऑटोफिल में, ओके ऑटोफिल डेट टिल E20, सो मुझे यहाँ पे डे देना है, सो लीनियर लेके डे देता हूँ, ओके फिर यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, मैं फील में सीरीज, और यहाँ पे देखो आपको वीक डे लेना है, यहाँ पे देखो डे जब लेता हूँ तो 24 25 26 28 29, ओके 20 फ़रवरी है, 1 2 3 4 ऐसा है। अभी वीक डे यानी क्या रहता है, आपका सैटरडे संडे ऑफ और मंडे टू फ्राइडे वर्किंग, दैट इज वीक डे फंडामेंटल, तो यहाँ पे वीक डे लेता हूँ और उसको ओके करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली लिखो वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे, सैटरडे संडे नहीं आएगा, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे देन मंडे वीक डे। देन ऑटोफिल मंथ, यानी मुझे 25 फ़रवरी के बाद 24 मार्च 24 अप्रैल ऐसा चाहिए, तो हम लोग फील्ड में जाते हैं, सीरीज में लेता हूँ और मैंने मंथ लिया, ओके तो वो क्या करेगा, मंथ ऐड करते जाएगा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और मुझे ईयर ऐड करना है, तो 24 फ़रवरी 2021 22 23 ऐसा। सो हम लोग फील्ड में सीरीज जाता हूँ और मैं ईयर लेता हूँ, ओके सो इट विल बी गो टेक इट एज अ ईयर। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज फील। अगर आपको डेटा एंट्री करते समय फास्टेस्ट वे में डेटा एंट्री करना है, तो यू कैन यूज इट एज अ फील। सो यहाँ पे देखो, कंट्रोल पेज डाउन देता हूँ, ऑटो फील, यहाँ पे आपको असाइनमेंट दिया है दैट यू हैव टू सॉल्व, यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिस्ट दिया है उसका, यानी डेज में क्या करना है और अदर सेल्स सेल्स क्या है क्या नहीं, ये आपको असाइनमेंट सॉल्व करना है, ये शीट मैं आपको साथ शेयर करूँगा। डू दिस असाइनमेंट्स, अगर कुछ भी डाउट रहता है तो कल के लेक्चर्स में आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगा व्हाट विल बी द डाउट्स। अभी तक का लेक्चर्स में कोई किसी को कुछ डाउट है पूछना है? एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? एनीवन? पक्का? और डेली लेक्चर्स रहेगा, दैट इज ऑल्सो 1.5 आवर या 1 आवर अप्रॉक्सीमेट,
सो यू हैव टू डू द प्रैक्टिस। मेरा कंसर्न एक ही रहेगा, हाउ यू आर गोइंग टू डू द प्रैक्टिस, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, ग्रोथ, क्रांति, आई विल एक्सप्लेन। ओके, ग्रोथ यानी क्या रहता है एक्चुअली, और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, समझ लो मैंने यहाँ पे 2 लिया। ओके, मुझे 2 इंटू 2, दोन जो वैल्यू आएगा 2 इंटू 2, जो भी वैल्यू आएगा उसको इंटू 2, फिर जो भी वैल्यू आएगा इसको इंटू 2, ऐसा चाहिए। सो दैट इज इसको ग्रोथ बोलते हैं। यानी फील्ड में जाता हूँ, सीरीज लेता हूँ, और यहाँ पे ग्रोथ लिया मैंने। स्टेप वैल्यू यानी उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, और अप टू 200 तक मल्टीप्लाई आना चाहिए। ओके किया। यहाँ पे देखो, हम लोग रोज नहीं लेना, कॉलम में लेना, तो कॉलम सेलेक्ट नहीं किया, ग्रोथ लिया, स्टेप वैल्यू 2, और स्टॉप वैल्यू मैंने 100 लेता हूँ समझ। ओके, देखो 2 इंटू 4, फिर 4 को फिर से मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 आया, 8 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 16 आया, 16 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 32 आया, 32 को फिर से मल्टीप्लाई 2 से करता हूँ तो 64 आया। सो दिस इज हाउ वी हैव टू गिव द सिक्वेंस। सो ये ग्रोथ में क्या होता है, जो ग्रोथ वैल्यू जो देते हैं ना वो मल्टीप्लाई हो जाता है, फिर नेक्स्ट वैल्यू आता है, फिर ये ग्रोथ वैल्यू फिर से इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये वैल्यू आएगा, फिर ग्रोथ वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये वैल्यू, फिर ग्रोथ वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये वैल्यू। क्लियर है क्रांति? यस, थैंक यू। कुनाल का विचार है, डाउट्स? कुणाल का विचारायचं? हाँ, शुड वी क्लोज फॉर द टुडे? किसी को कल के इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछना रहेगा तो पूछ सकते हैं। एक अजून एक विचारायचं होतं, याच्यामध्ये बेसिक एक्सेल केलेलं कोणी आहे का, ज्यांनी बेसिक एक्सेल केलंय? असं नाही आहे, सॉरी, आहे का नको नाही विचारायचं ना, बेसिक एक्सेल केलं नाही आहे, डायरेक्ट ॲडव्हान्स एक्सेलवरच आले आहेत, तर त्यांना थोडंफार बाउन्स होईल, त्यांना खूप प्रॅक्टिस करणं गरजेचं आहे। जे ऑलरेडी एक्सेल यूज करतात त्यांच्यासाठी थोडं स्मूथली जाईल, म्हणजे मी कधी एक्सेल यूज केलेलं नाही आहे त्यांच्यासाठी थोडंसं बाउन्सी जाईल। सो प्रॅक्टिस कंपल्सरी करा, दॅट इज वन अपील फ्रॉम मी। सो आई विल से गुड नाईट टू एवरी वन, थँक्यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर्स, बी शार्प ॲट 7:30 टुमारो फॉर द लेक्चर। ओके, सो शल आय क्लोज? थँक्स एवरी वन, थँक यू। वेलकम यशस्वी।